चलिए मौरियंस के पॉपुलर आर्ट्स यानी गेम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गेम्स कैसे कैसे थे, क्या क्या डिस्कस होता था गेम्स में, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर था। अपार्ट फ्रॉम द रॉयल कोर्ट के जो पैटर्नेज है, पिलर्स थे, आपके पैलेस थे, उनके सिवाय केव का आर्किटेक्चर बहुत फेमस था। फिर उसके बाद स्कल्पचर आया और फिर उसमें पोएट्री आई, जो कि बड़े लोकल लोग जो हैं बड़े स्केल पर ही करते थे, ठीक है ना। और इंडिविजुअल एफर्ट्स जाता था, जितना लोग अपनी मर्जी से करते थे उन सब चीज़ों को, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। केव आर्किटेक्चर में देखते हैं ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड का केव्स और जो भी यूज है, विहार विहार होते थे। विहार क्या होते हैं, विहार होते हैं आपके जो हाँ बौद्ध रुकते हैं और आराम करते हैं। फिर उसमें ही चैत्य बनाए जाते हैं, लेकिन चैत्य वो चीज़ वो होते हैं जहाँ पर बौद्ध जो है वहाँ ध्यान करते हैं, ठीक है ना। बाय जैन एंड बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट जैनों के लिए बनाई गई है मौर्यन टाइम पीरियड में, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह जैन, ठीक है ना, उसके टाइम में भी जैनों के लिए बनाई गई है गेम्स। मौर्यन का जो एम्पायर है और आपके बुद्धिज्म के उसमें भी बनाई गई, ठीक है। तो की फीचर्स क्या थे, तो इनमें यह था कि यह बड़े हाईली पॉलिश थे, इंटीरियर जो है अच्छे से डेकोरेट थे और बड़े डेकोरेटिव गेटवेज थे इनके, ठीक है। मतलब ये देख रहे हैं आप कि पूरी केव है, इसको पहाड़ को खोदा गया है, इसको अंदर से बिल्कुल खोखला बनाया गया है, फिर इसके आउटर उसमें बड़ा डेकोरेटिव इसमें यहाँ पर एक गेट दे दिया। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, सात स्केप्स हैं, सतगरवा इन मखदमपुर, मखदमपुर में सतगरवा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है, जिसे अशोका ने बनाया था, जिसमें यहाँ पर आजीविका का जो उसके पिता के थे, आजीविका के लिए उसने बनाया था। बारबर की केव्स चार तरह की केव्स थी, करना चारूपुर चौपुर में सुदामा केव, लमार्शी केव, विश्वा मित्र केव, ठीक है ना। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी थी नागरा गुंज के यहाँ पर 13 केव्स बनाई गई। सॉरी, मैंने सोचा कि 13 केव्स थी, लेकिन ये 3 केव्स बनाई गई थी। इन बिहार पर फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ ग्रैंड सन ऑफ अशोक, ये जो है ये पोस्ट अशोक वाली केव्स हैं, नागरा जो है केव्स थी ना, गोपी केव्स और भयानक ठीक है ना। तो ये भी आजीविकाओं के लिए भी बनाए गए, ठीक है। चलिए, इट वॉज फाउंडेड बाय जो आपका आजीविका है इसके बारे में बात करें, इट वॉज फाउंडेड बाय गौशाला मस्कर पुत्र अ फ्रेंड ऑफ महावीर, 24th ऑफ जैनिज्म एंड वॉज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। तो जो आजीविका थी ये महावीर जो थे उनके ही एक दोस्त ने, जो कि गौशाला मस्करी पुत्र है गौशाला मस्करी पुत्र, इन्होंने आपका एस्टैब्लिश कर लिए भी है। आजीविका सेक्शन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ दैट द अफेयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स वर ऑर्डर्ड बाय द कॉस्मिक फोर्स, नियति। उन्होंने कहा कि भाई नियति ही करती है जो भी फोर्स होते हैं, जो भी किसी भी इंडिविजुअल का कहे जो भी फोर्स होता है वो नियति डिसाइड करती है, या आपका पूरे यूनिवर्स में कोई एक ऐसी फोर्स होती है, ठीक है ना। अब आते हैं स्कल्पचर में, इतने हैं कि कौन कौन से स्कल्पचर्स थे मॉडर्न हिस्ट्री में। ये आपने यक्षिका का एक जो पिक्चर देखा होगा, मोस्ट फेमस स्कल्पचर्स ऑन द मौर्यन वर यक्ष एंड यक्षिका, यक्ष और यक्षिका को वो करते थे, ठीक है ना। दे वर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, लेकिन इन तीनों रिलीजन में यक्ष और यक्षिका मिलते हैं, ठीक है ना। एंड द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षिका कैन बी फाउंड इन शिला पंडित कर्ण
शिला पद्धति करना जो तमिल का टेक्स्ट है वहाँ पर यक्षिका के मेंशन मिल जाते हैं। द कोर्स ऑफ द न्यू मेल फाउंड ऑफ एट जोहानीपुर एंड पटना, पटना में एक कोर्सों मिला है ठीक है ना, एक एक छोटा सा सिंबल सिंबॉलिक फॉर्म मिला है, कोर्स होता है मतलब छोटा सा एक फॉर्म होता है ठीक है ना, एक छोटा सा फॉर्म का स्ट्रक्चर मिला होगा जहाँ पर यक्ष गंगा यक्ष जो है देखा है। फिर दीदर कुंज में यक्षिका मिली है जो कि पटना के एक विलेज है जिसको बोलते हैं दीदर कुंज, पटना में ये। अच्छा पॉटरी कैसी थी, पॉटरी इन द जर्नल इज रिफर्ड टू एज अ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, यानी कि जो वहाँ पर मौर्यन के समय में जो पॉटरी होती थी वो ब्लैक पॉलिश पॉटरी थी, यानी काले पेंट से उसको पेंट किया जाता था और बहुत ही चमकाया जाता था, उस पॉटरी को बहुत अच्छे ढंग से चमकाया जाता था और एंड दे वर जनरली यूज एज लग्जरी आइटम, जैसे उनको सजाने के लिए यूज करते हैं, पॉट पॉट्स को सजाने के लिए यूज करते हैं, तो कौशाम्बी और पाटलिपुत्र वर द सेंटर ऑफ द पॉटरी, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र में पॉटरी के सेंटर थे ठीक है ना। पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पोस्ट मॉडर्न में क्या हुआ, जो पोस्ट मॉडर्न में क्या आते हैं बहुत सारी डेंसिटी आते हैं, शुंग आता है, कनवाज आते हैं और खुशाना आते हैं और शख्स आते हैं और कुछ यह सदमानाज आते हैं, ईशा वाकूज आते हैं, अभिराज आते हैं और वक़ा तक्स आते हैं ठीक है ना। तो इनमें क्या हुआ था, इनमें भी यही था कि आपका रॉक कटर सुपर्स केस बने थे, सुपर्स बनाए गए थे ठीक है ना। सिमिलर देवर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ कल्चर हमारे जैसा आर्ट ऑफ कल्चर, तीन तरह के आर्ट रॉक कल्चर्स आते हैं ठीक है। रॉक कट कल्प में चैत्य था बिहार था, दो दो तरह के रॉक केव्स में चैत्य और बिहार अलग 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 अलग, अशोका ने तो एक ही उसमें काम किया था, चैत्य बिहार ही बेसिकली उसने एस्टैब्लिश किए थे, लेकिन बाद में ध्यान के लिए अलग जो पोस्ट मॉडर्न है मतलब चैत्य के लिए अलग से रॉक केव्स। चैत्य को द रेक्टेंगुलर प्लेयर बॉल्स इन द स्टूपा, स्टूपा प्लेस इन द सेंटर, उसी में छोटा सा स्टूपा बना के रखते थे सेंटर में और उसके चारों तरफ जो है आपके प्लेयर्स करते थे सारे मॉक्स मिलकर, बिहार को यूज टू रेजिडेंस ऑफ द मॉक्स जो पहले से यूज हो रहा है। अब इनके कौन कौन से पोस्ट मॉडर्न टाइम में कौन कौन से आपके केव्स आते हैं जो कि एग्जाम्पल है, उदयगिरी की जो केव्स है और खांडगिरी की जो केव्स है, उदयगिरी खांडगिरी की जो केव्स हैं ये परफेक्ट एग्जांपल है, एक तो है भुवनेश्वर में उड़ीसा में और एक है खारवेल में, जो खारवेल है इसका डिस्क्रिप्शन आपको खारवेल का जो मेंशन है कि है आपका हस्तकुंभ जो गुफा है ठीक है ना उसमें मिलता है, हाथी कुंभ का जो है और इसमें ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट में एक्सप्लोर किया गया था, अशोका के दौरान पाली और प्राकृत और एक ग्रीक उसमें इंस्क्रिप्शन मिलता था, लेकिन जो पोस्ट था पोस्ट में ये साउथ का किंग था खारवेल इसका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है ठीक है ना, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी एक्सचेंज स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन मिलता है इसके बारे में, हाथी गुम्फा ठीक है ना, रानी गुम्फा के इन उदयगिरी इज डबल स्टोरेड एंड हैज सम ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, स्तूपास कैसे कैसे थे पोस्ट अशोका के टाइम में, स्तूपास कैसे कैसे थे, दे वर हाईली डेकोरेटेड, जो तोरण का जो द्वार था यहाँ पर मूल के काम को छोड़कर स्टोन का काम आ गया ठीक है ना, यहाँ पर मूल को छोड़ के स्टोन ने ले ली ठीक है ना, ब्रिक वॉक वुड वुड और ब्रिक वर्क का था ये पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया स्टोन ने और ये इस तरह से ये काफ़ी दिनों तक और काफ़ी सालों तक ऐसे ही रहे और अच्छा है कि ऐसे ही रहे, हमें थोड़ा वो मिल गया। शुंग की
डायनेस्टी में इन्होंने गेटवेज को डेकोरेट करना शुरू किया और बहरूप की जो स्तूपा है वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा था कि थर्ड जो स्कूल है आर्ट फॉर्म का वो कौन सा है, तो एक तो था आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एक था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और जो तीसरा था वो था आम्रवती, ठीक है ना, आम्रवती स्कूल ऑफ आर्ट। अब देख लेते हैं कि आम्रवती स्कूल ऑफ आर्ट में कैसे कैसे था, इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। गांधार स्कूल में जो इनके गांधार जो है आपका बढ़िया की तरफ को बढ़ता है और आप मतलब आपका ये देख लीजिए आप अफगानिस्तान एग्जिस्ट है, अफगानिस्तान में है तो यहाँ पर लोगों के का इन्फ्लुएंस आप सबसे ज़्यादा देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो जो आपके वहाँ के राजा जो अपोलो जो थे गॉड थे तो उनका भी जैसे कर्ल आता है ना हेयर्स में, तो कर्ली हेयर्स थे और वेरी बिल्ड बॉडी दिखाई गई है, ठीक है। और जो आपके मथुरा में है यहाँ पर जो पेट वगैरह निकला मतलब यहाँ पर रियल दिखाया गया मथुरा में, हाँ ये इस तरह के होंगे। और इनके पीछे एक आभा मंडल दिखाया गया है, चक्र दिखा देते हैं और अमरावती में अलग आता है। चले देख लेते हैं कौन कौन से कैसे कैसे डिफरेंस आता है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है और जो आपके दूसरे स्कूल ऑफ आर्ट आम्रावती स्कूल है, इन तीनों में क्या क्या कैसे कैसे डिफरेंस आता है। तो जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था ये ग्रीक इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं, तो इसमें कोई मतलब शक्ति नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पर बुद्धा को सुपर ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है, एंड इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर और मिक्स्ड विद द रीजनल लोकल आर्ट ऑफ। देखिए आपने चीज मैंने बताया आपको कि एक दिल्ली भी रहती है, ये अपोलो है, अपोलो में देखिए कर्ल हेयर्स हैं और बुद्ध में भी देखिए पर एक कर्ल हेयर्स हैं, एक रॉयल इनको दिखाया है, ठीक है ना, रॉयल तरीके से दिखाया है, माथे में बिंदी दी गई है, बॉडी अच्छे से दिखाई गई है। बौद्धि सत्व की मुद्रा
ये सब का सब आपके उसमें आ रहा है। उत्तर उत्तरा बोधि मुद्रा में आपको अपने हाथों को ऐसे करना है। तो ये जो मतलब है इतनी सुपर एनलाइनमेंट, यानी आप उन्हें सुपर, आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे करके ध्यान में बैठे हैं और आपने अपने हाथों को ऐसे कर रखा, बुद्ध ने ऐसे कर रखा, तो उसका मतलब आप टच में हैं गॉड, ठीक है। परफेक्शन वर्धा वर्धन मुद्रा, जो हाथों की मुद्रा है, यहाँ पर आपका एक हाथ जो लेफ्ट हैंड साइड का हाथ है वो कैसे है, जैसे लक्ष्मी जी का हाथ है और एक हाथ कैसे है, तो ये होता है वर्धन मुद्रा, ठीक है ना। वर्धन मुद्रा इट इज इंडिकेट चैरिटी कंपैशन एंड ग्रांटिंग विशेस, ऐसे ये जो मुद्रा है, जैसे आपने लक्ष्मी जी की पिक्चर देखा होगा, देखा होगा यहाँ से गणपति वर्षा हो रही है, तो यहाँ से तो आप आशीर्वाद दे रहे हो, यहाँ से आप वो दे रहे हैं प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं। एक है कर्म मुद्रा। कर्म मुद्रा में आप क्या कह रहे हैं कि जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं ये आपका कर्म मुद्रा का आता है। इसमें आप क्या कह रहे हैं कि मुझे ना तो मैं बीमार नहीं होगा, मैं कभी मुझे कोई चीज़ गलत चीज़ मेरे को नहीं छू सकती, आपकी कर्म मुद्रा है। ये सारे के सारे गांधार आर्ट में आते हैं। वज्र मुद्रा, वज्र में क्या है, आपने अपने हाथों को ऐसे कर दिया है, ठीक है, ऐसे आपने हाथों कर दिया है, तो वज्र मतलब आपने आप स्ट्रांग हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको है वो अच्छे से अटेंड, ठीक है। मथुरा में क्या आता था, मथुरा में जो ये तीन डिवीजन थे मथुरा में उस समय, मथुरा में बौद्धिज्म था, हिंदुज्म था, जैनिज्म था, और कुशाणों में से शुरू किया क्योंकि मथुरा जो है कुशाणों की राजधानी थी उस समय, और सेंटर वन मथुरा सोम और कंकाली तिला ये यहाँ पे सपोर्ट है। और इसी यहाँ पर की टीचर्स क्या था, सिंबोलिज्म इन द इमेज वाज वन ऑफ द की टीचर्स ऑफ द मोदो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, लाइक शिवा वाज रिप्रेजेंटेड, यानी यहाँ पर सिंबलिज्म का ज़्यादा जैसा, जैसे शिव जी को आप लिंग के द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हैं या मुखालिंग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक हैलो आता है मतलब एक चक्र आता है, ठीक है ना। बुद्धा को डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया कि कोण बनाया, ट्रायंगल बनाया, फिर ट्रायंगल के ऊपर अलग करके आपने ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना। बुद्धा इस सोम के सराउंडेड बाय बुद्धि सत्व के आसपास आपने सराउंडिंग दे रखे हैं, जो कि बुद्धि सत्व फॉलोअर्स हो गए या बुद्धा के मैनुअल फॉर्म हो गए, तो यहाँ पर बुद्धा को एक्चुअली में सिंबल द्वारा डिनोट किया गया है। यहाँ पर बुद्धा तो एक सिंबल है जिसको बुद्धि सत्व ने अलग अलग तरीके से लिया, किसी बुद्धि सत्व के पास आपका क्या है लोटस है, किसी के पास अंडर बोल्ट है, यहाँ पर इन्होंने कहा क्या कहते हैं कि आम्रवती में सिंगल इमेज बना लिया या तो बुद्ध की इमेज बनेगी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बौद्धि सत्व को ना लेते मथुरा में बौद्धि सत्व को दिया है और आपको बुद्ध को एक सिंगल से डिनोट करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत एक नैरेटिव स्टोरी बनाई इसने किसने शुरू किया था, ये पैटर्न है, ये आपका सुवाहना दूल्हा ने शुरू किया था, और जो मथुरा का जो था वो आपका कुशाणों ने शुरू किया था। ये फीचर्स वर त्रिभंगा पोस्चर, त्रिभंग पोस्चर में बॉडी दैट इज द बॉडी इट इज थ्री
events were used to exclusively by humble ठीक है यहाँ पर कंपैरिजन दे रखा है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है ना तो हम पहले इस कंपैरिजन को देखते हैं कि ये कंपैरिजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है तो किसी भी एग्जाम में यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो उसमें ये बहुत ज़रूरी है तो गांधार में हाईली इन्फ्लुएंस ऑफ हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक आर्ट फॉर्म मथुरा में इंडिजीनियस आर्ट इंडिजीनियस नेचर था अमृत भी इंडिजीनियस था टोटली इंडिजीनियस था ग्रे स्टोन्स पर यूज लाइट प्लास्टर ठीक है स्पॉटेड रेड स्टोन्स पर यूज मथुरा एंड वाइट मार्बल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ग्रे स्टोन यूज होता था जैसे पर प्लास्टर करते थे थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए और मेकअप करने के लिए स्पॉटेड रेड स्टोन यूज होता था मथुरा में और वाइट मार्बल यूज होता था अमरावती में मेनली बुद्धिस्ट इमेज वर फॉर्म यहाँ पर मेनली बुद्ध की इमेज है यहाँ पर बोधिसत्व है जैनिज्म हिंदू भी आ जाते हैं बुद्धिज्म में बोधिसत्व है और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर किसने पैटर्नाइज किया था गांधार को कुशाण ने मथुरा कुशाण ने आम्रवती ने सर्वमान ठीक है ये कहाँ मिलता है गांधार नॉर्थ वेस्ट में ये आपके नॉर्थन इंडिया में ये डक्कन लैंड कृष्णा डेल्टा के रास्ते ठीक स्पिरिचुअल बुद्धा इमेज वर वेरी स्टाइलिश विद बेबी हेयर्स डिलाइटेड बुद्धा एंड नॉट द स्पिरिचुअल यानी काफ़ी तोड़ वगैरह सब दिखाई गई है बुद्धा की मेनली डेपिक्टेड स्टोरीज ऑफ जटापास जो जटापास की जो स्टोरीज थी वो आम्रवती में है हैज बियर्ड एंड मुस्ताज नो बियर्ड एंड मुस्ताज यहाँ पर आम्रवती में यहाँ पर जो मेंशन है विशेष था ठीक है ना लीन बॉडी है काफ़ी गांधार है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फीचर्स दे रहे हैं मथुरा में and standing image was found. Most of them were seated in Mathura. Nothing is said to be specialized about Amravati. Eyes were halfly closed. यहाँ पर eyes वही दिखाई गई है halfly closed दिखाई गई है meditation में दिखाई गए हैं यहाँ पर आँखें जो है बड़ी छोटी दिखाई गई है और थोड़ी खुली खुली दिखाई गई अब इनका significance क्या है सिग्निफिकेंस ये है कि आप ये देखें कितना हाई टेक्निकल स्किल था उस समय कि इतने बढ़िया पॉलिश किए गए थे जो ब्लैक पॉटरी दिखाई गई थी वो दे वर वेरी हाईली पॉलिश वेरी नाइसली कार्व्ड ठीक है ना और स्केलिंग वाली भी देखें उसको तो स्केलिंग वाली भी बढ़िया सा स्केल का था तो ये तबीयत थोड़ी तो ये मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि डिफरेंट मॉडर्न आर्किटेक्चर में पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में और आपके जो आर्ट फॉर्म्स हैं केव्स हैं स्कल्पचर्स हैं तीन तरह के जो स्कूल्स हैं उनके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन बताया गया है ये काफ़ी होगा आपको बढ़िया से लिखने के लिए बढ़िया मटेरियल मिल जाएगा तो आप बने रहिए चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना